तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच फिर से युद्ध हुआ शुरू। तो इजराइल से मुस्लिम देश हुए नाराज। मुस्लिम देशों ने 1973 की तरह इजराइल को कच्चा तेल देने से किया इनकार। यहूदियों को मुस्लिम देशों ने दिया बड़ा झटका। गाजा पट्टी में इजराइल को हमास के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा भारी। हमास के पहले हमले में ही इजराइल के 32 लोगों की हुई मौत। इजराइल की सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं हमास के लड़ाके। सही आंकड़े इजराइल की सरकार बताने के लिए नहीं तैयार। दुबई में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। इजराइल के राष्ट्रपति के जाने के विरोध में ईरान के राष्ट्रपति ने सम्मेलन में भाग लेने से किया इनकार। कहा फिलिस्तीनियों के हथियारों के साथ नहीं कर सकते मीटिंग। गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होते ही यमन के हिजबुल्ला ने इजराइल पर दाग दिया एक और बम। कहा इजराइल की घेराबंदी शुरू करेगा हिजबुल्ला, हर कीमत पर इजराइल को करेंगे खत्म। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को हमास पे हमला करना पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने मोर्टार दागकर इजराइल के 5 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। यहूदी बोले हमारी सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा हमास, दुनिया है खामोश। गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होते ही इजराइल की सरकार को हुआ भारी नुकसान। तो गिड़गड़ाने के लिए कतर पहुंचे यहूदी। कहा युद्ध विराम कराए कतर, वरना हमास कर देगा हमको तबाह। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास में दोबारा से जंग शुरू होते ही इजराइल से नाराज हुए मुस्लिम देश। इजराइल को कच्चा तेल देने से किया इनकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में 6 दिनों का युद्ध विराम खत्म होने के बाद जंग फिर से शुरू हो गई। इजराइल के द्वारा जंग दोबारा से शुरू करने से अब मुस्लिम देश इजराइल से नाराज हो गए हैं और मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 1973 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई थी, तब भी मुस्लिम देशों ने इजराइल को कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया था और इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इजराइल की सरकार घुटनों पर और इजराइल की सरकार ने जंग रोकी थी। और इस बार जंग रुकवाने के लिए भी मुस्लिम देश 1973 वाला नियम अपना रहे हैं। मुस्लिम देशों ने मीटिंग करके इजराइल को कच्चा तेल देने की आपूर्ति पर रोक लगाने का ऐलान किया है, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है और इजराइल फिर से जंग रोकने पर मजबूर हो जाएगा। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने इजराइल पर यह बड़ी कार्रवाई आज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल को युद्ध करना हमास से पड़ा भारी। इजराइल के 22 लोग की हुई मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में दोबारा से जंग शुरू होते ही इजराइल को गाजा के खिलाफ युद्ध शुरू करना भारी पड़ा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के हमले में अब तक इजराइल के 32 लोगों को चोट आई है। वहीं खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने जैसे ही गाजा पट्टी पर गोले दागे तो इसके जवाब में हमास के लड़ाकों ने मिसाइलें दागी जो इजराइल के कई शहरों पर गिरी हैं। इन शहरों में 32 लोग के ये मिसाइलें जाकर लगी हैं, जिसमें कई बच्चे और कई औरतें शामिल हैं। वहीं खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना का डटकर हमास के लड़ाके मुकाबला कर रहे हैं और इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में 1 इंच भी हमास के लड़ाकों ने नहीं घुसने दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डटकर हमास के लड़ाके इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दुबई में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में इजराइल के राष्ट्रपति के विरोध में उतरा ईरान। ईरान ने सम्मेलन में भाग लेने से किया इनकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि दुबई में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आज आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में इजराइल के राष्ट्रपति पहुंचे। इजराइल के राष्ट्रपति के पहुंचने के विरोध में ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के उनसे इन इजराइल के राष्ट्रपति के हाथ सने हुए हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर हम इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। ईरान ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लेकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ खड़े हों या ना हो, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ खड़े नहीं होंगे और जो देश इजराइल का इस जंग में साथ देंगे हम उससे भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यमन के नसरुल्ला ने इजराइल पर किया एक और बम से हमला।
जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग शुरू होते ही हिजबुल्ला फिर से एक्टिव हो गया है और हिजबुल्ला ने हमास के समर्थन में कार्रवाई करते हुए इजराइल पर एक और बम गिरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने युद्ध विराम खत्म नहीं किया और युद्ध को नहीं रोका तो हमास इजराइल की घेराबंदी करेगा। वहीं आपको बता दें कि आगे यमन ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके या फिर गाजा पर हमले किए तो इजराइल पर हमला यमन कर देगा। यमन ने इजराइल के जहाजों को अपनी सीमा से गुजरने की इजाजत नहीं देने का भी ऐलान किया है और कहा कि अगर इजराइल का कोई भी जहाज यमन के समुद्र से गुजरा तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे और अपने देश ले जाएंगे और तब तक हम नहीं इजराइल को देंगे जब तक वो इस जंग को खत्म नहीं कर देता। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर मुस्लिम देशों को मदद करनी चाहिए और गाजा की घेराबंदी खत्म करनी चाहिए, ये बात यमन ने पूरी दुनिया से कही है। अब देखते हैं कि मुस्लिम देश इजराइल पर क्या कार्रवाई आगे करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना का कबूलनामा, हमास के हमलों में इजराइल के 5 सैनिक हुए घायल। जदूस आपको बता दें कि इजराइल और हमास को दोबारा से जंग शुरू करना भारी पड़ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के हमलों में इजरायली सेना के 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास के लड़ाकों ने जो गोले हमारे ऊपर दागे हैं उन गोलों में 5 इजराइल के सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमास के लड़ाकों ने बताया है कि 13 से अधिक यहूदी टैंक सैन्य वाहन हमने नष्ट कर दिए हैं जबकि 50 से अधिक यहूदी सैनिक मारे गए हैं और घायल हैं, जबकि इजराइल की सेना सिर्फ 5 ही बता रही है और हमास ने 50 का दावा किया है। यानी इजराइल की सेना शुरू से ही इस जंग में मारे गए सैनिकों के आंकड़े छुपा रही है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास ने इजराइल के दोबारा जंग शुरू करने पर हमास लड़ाकों ने इजराइल को धूल चटा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी, हमास ने कर दिए धुआंधार हमले, कतर बोला कराएंगे जल्दी युद्ध विराम। दोस्तों आपको बता दें कि 6 दिनों के युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई है। ये जंग इतनी भीषण हो गई है कि इजराइल की सेना अगर एक हमला करती है तो हमास के लड़ाके इतने रॉकेट इजराइल पर दागते हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इन्हें रोकने में नाकाम हो जाता है और भारी नुकसान इजराइल की सरकार को हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि युद्ध चालू होते ही इजराइल फिर से परेशान हो गया है और वो भीख मांगने के लिए कतर पहुंचा है। कतर से इजराइल की सरकार ने युद्ध विराम को लेकर बातचीत की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कतर ने कहा है कि एक दो दिन में फिर से हम इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराएंगे और जंग को बंद कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। यमन ने पूरी दुनिया से कही है। अब देखते हैं कि मुस्लिम देश इजराइल पर क्या कार्रवाई आगे करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना का कबूलनामा, हमास के हमलों में इजराइल के 5 सैनिक हुए घायल। जदूस आपको बता दें कि इजराइल और हमास को दोबारा से जंग शुरू करना भारी पड़ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के हमलों में इजरायली सेना के 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास के लड़ाकों ने जो गोले हमारे ऊपर दागे हैं उन गोलों में 5 इजराइल के सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमास के लड़ाकों ने बताया है कि 13 से अधिक यहूदी टैंक सैन्य वाहन हमने नष्ट कर दिए हैं जबकि 50 से अधिक यहूदी सैनिक मारे गए हैं और घायल हैं, जबकि इजराइल की सेना सिर्फ 5 ही बता रही है और हमास ने 50 का दावा किया है। यानी इजराइल की सेना शुरू से ही इस जंग में मारे गए सैनिकों के आंकड़े छुपा रही है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास ने इजराइल के दोबारा जंग शुरू करने पर हमास लड़ाकों ने इजराइल को धूल चटा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी, हमास ने कर दिए धुआंधार हमले, कतर बोला कराएंगे जल्दी युद्ध विराम। जदूस आपको बता दें कि 6 दिनों के युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई है। ये जंग इतनी भीषण हो गई है कि इजराइल की सेना अगर एक हमला करती है तो हमास के लड़ाके इतने रॉकेट इजराइल पर दागते हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इन्हें
इन्हें रोकने में नाकाम हो जाता है और भारी नुकसान इजराइल की सरकार को हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि युद्ध चालू होते ही इजराइल फिर से परेशान हो गया है और वो भीख मांगने के लिए कतर पहुंचा है। कतर से इजराइल की सरकार ने युद्ध विराम को लेकर बातचीत की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कतर ने कहा है कि एक दो दिन में फिर से हम इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराएंगे और जंग को बंद कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।